वहाँ जाते हैं वो हमें क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी. सो इट इज द रीजन वाई डिलॉयट. फर्स्ट रीजन इज जो एनवायरमेंट डिलॉयट प्रोवाइड करती है वो आपको कोई और कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी. इन द सेंस वो जो आपको काम करने की फैसिलिटीज देती हैं, लाइक इवन आप अपना काम घर से कर सकते हो. कोई भी आईटी कंपनी इस एज में अभी तक जितनी के भी एम्प्लॉयज से मेरी बात हुई, दे डोंट अलो दिस जब तक आप एक अच्छे लेवल पर नहीं आ जाते. फाइन, लेकिन डिलॉयट एक ऐसी कंपनी है, इफ़ यू आर गुड विद कि अगर आपका काम अच्छे से आपके घर पर हो रहा है, यू वॉन्ट अ पर्सनल स्पेस विद योर क्लाइंट, बिकॉज आपका ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लाइंट US बेस्ड होंगे, तो आपको हर चीज ऑनलाइन करनी है. कन्वर्सेशन आपको फोन पर करनी है, ऑनलाइन करनी है, स्काइप पर करनी है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप अपना काम अपने घर से भी कर सकते हो और वो किसी पोजिशन पर बेस्ड नहीं है. यू जस्ट हैव टू गिव द रिजल्ट टू द डिलॉयट एंड इट इज सेटिस्फाइड. दूसरी कंपनीज में इतना कुछ नहीं होता है. इवन मेरे सुपर सीनियर मुझको मिले थे, इतनी सुपर डुपर सीनियर थे वो इस टाइम ब्रिटिश टेलीकॉम में वर्क कर रहे थे. तो जो उनका गुड़गांव वाला जो डिलॉयट का था वो बिल्कुल उनकी बिल्डिंग आमने सामने, तो उन्होंने ही बताया था कि डिलॉयट ऐसी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. इफ यू थिंकिंग फॉर डिलॉयट यू शुड गो फॉर डिलॉयट. ठीक है, ये तो फर्स्ट रीजन आ गया. सेकेंड रीजन जो था वो था सैलरी. सैलरी इन द सेंस अगर आपके पास टैलेंट है डिलॉयट में प्लेस होने का, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी गिव अ ग्रेटर चॉइस फॉर योर सैलरी. देखिए कैसे TCS वगैरह की बात करते हैं हम, या दूसरी नॉर्मल कंपनीज की TCS, इंफोसिस, विप्रो, ये बिल्कुल डायरेक्ट टॉक है ये. तो मुझे किसी भी कंपनी का ये नहीं है कि कोई कंपनी बुरी है. सिर्फ अगर हम फाइनेंस बेसिस पर बात करें, TCS, इंफोसिस, विप्रो, ये ऑलमोस्ट देती है हमें 15,000 to 20,000 रुपीज़. लाइक अब 16 हो गया, 16,000 to 18,000 रुपीज़, मतलब इन 2,000 रुपये के बीच में रेंज है जो हमें कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं. ये अच्छी कंपनीज है. मैं जितनी भी हमें सिखाया गया है वो 5 मेन कंपनीज है जो हमें BCA और BSc को अलाउड है बैठने के लिए. उन बेस्ट कंपनीज में ये 3 कंपनीज है जिन्हें मैं कंसिडर करती हूँ, दे आर वेरी नाइस. तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें, ये देती है हमें 16,000 to 18,000 और वहीं पर हमें डिलॉयट देती है अबाउट 30,000 पर मंथ. इसका पैकेज है 3.85 लाख. ये हमारे लिए था लास्ट टाइम के लिए आई थिंक 60 था, 3.6 लाख था. इस बार इंक्रीज हुआ था पैकेज और ये था 3.85 लाख. ये कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है. लाइक फर्स्ट मंथ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे जो अपकमिंग 11 मंथ्स होते हैं उसके अंदर आपकी कांस्टेंट सैलरी आपको मिलती है. फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए आई थिंक 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है. थर्ड रीजन इज नो बॉन्ड, जीरो बॉन्ड. आई जस्ट लव दिस कंपनी बिकॉज वो जीरो बॉन्ड प्रोवाइड करती है. आपको फंसना नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो कंपनी छोड़ दो, है ना. और ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है. जीरो बॉन्ड का मतलब क्या है, आपको फंसाना नहीं है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट जॉब यू शुड डू इट, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो जस्ट लीव दैट जॉब. उनका साफ साफ ये सिस्टम है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दो जॉब को. लेकिन डिलॉयट ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि उसको किसी भी बॉन्ड को रखने की ज़रूरत नहीं है. जिस पैनल के साथ हमारा इंटरव्यू था उनसे हमारी खुद बात शेयर हुई थी और सबने यही कहा था इट इज़ आर लास्ट कंपनी. हम जितने भी कंपनी से स्विच कर यहाँ आ चुके हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है, जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड हुआ है यहाँ पर, वो हमें किसी और कंपनी में नहीं प्रोवाइड हुआ. इवन वन ऑफ द इंटरव्यूअर सेड कि ये कंपनी मैं तभी छोड़ूंगा जब मैं मर जाऊँ. उनकी ये खुद स्टेटमेंट थी दैट दे लव द कंपनी सो मच बिकॉज जो एनवायरमेंट वो प्रोवाइड कर रही है ऑब्वियसली. तो ये थे मेन 3 रीजंस और जो मैं कंसिडर करती हूँ कि किसी भी एस्पिरेंट या कोई भी टेक्निकल बच्चा ये देखेगा, है ना, कि मतलब ऑब्वियसली जॉब करनी है तो हमें एनवायरमेंट भी अच्छा मिले और हमें पे भी अच्छी मिले. जो रीजन मेरा है बेसिकली आई एम IIT स्टूडेंट बट विद IIT आई लव मैनेजरियल थिंग्स. मैंने अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थी, बट मैंने नॉन मेडिकल ली थी और आई वॉन्ट टू परस्यू IIT ओनली. बीटेक करने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने BCA चूज़ करा था. बट
माई डायरेक्ट फोकस वॉज ऑन मैनेजरियल स्किल्स, खुद को डिवेलप करना, आप कैसे अपनी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हैंडल करते हो, जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं आप उसको कैसे हैंडल करते हो, इट वॉज समथिंग माई कप ऑफ टी। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसके अंदर मैंने मैनेजरियल स्किल्स यूज हूँ, तो डिलॉयट गिव मी अ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। पूरा मतलब हमारे कंसल्टिंग सर्विसेज हैं ये, तो फिर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर हम हर चीज़ को खुद मैनेज करना सीखते हैं। हाँ, एट द स्टार्टिंग आप एक एसोसिएट एनालिस्ट की तरह वर्क करते हो। हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि हम वहाँ पर जाकर बनते क्या हैं। देखिए वहाँ पर एक पूरी सीरीज होती है वर्क की, एसोसिएट एनालिस्ट, देन यू बिकम एनालिस्ट, देन सीनियर एनालिस्ट, देन हेड, एंड आफ्टर दैट द पोस्ट गोज हायर टू डायरेक्टर टिल दैट। तो ऐसी बहुत सारी रेंजेस, अबाउट 9 रेंजेस दे शोड। तो हम अभी एज एसोसिएट एनालिस्ट की तरह वहाँ वर्क करेंगे। तो वहाँ पर वर्किंग तो ऐसे है कि हमें वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो हमें उस प्रोजेक्ट पर हमें कोडिंग भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। कि मतलब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो अगर उसके अंदर आपको कोडिंग करनी है, आप सिर्फ एडवाइज नहीं करोगे कि आपको क्या करना चाहिए उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आपके पास फौरन हेल्प आई है, तो आप उसको बनाकर भी दोगे वो सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर बना बनाया भी है उनका प्रोजेक्ट तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ सकता है, तो इसलिए दे रिक्वायर दैट आईटी स्किल्स ऑल्सो। तो इसलिए अभी तो हम इस लेवल पर वर्क कर रहे हैं, बट जो उनके साथ हमारी टॉक हुई थी वो एक बिल्कुल पर्सनल टॉक हो गई थी, एक प्रोफेशनल टॉक की जगह। तो उन्होंने बहुत साफ साफ बताया था, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट, आपको बस उनको जाकर रिजल्ट शो करने हैं कि मैं इस नवी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी आती है, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। वो एक बार आपको क्रॉस चेक करेंगे एंड इफ दे फाइंड दैट यू आर डूइंग ग्रेट विद दैट, वो डेफिनेटली आपको उस चीज को प्रोवाइड कर देंगे। यू आर वेरी ओपन टू शो योर टैलेंट ओवर देयर और अपनी प्लेस वहां पर आप अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, ठीक है। एक बार कंपनी ज्वाइन होगी, इट 110% डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट और दैट कैंडिडेट, वो वहां पर जाकर कैसा परफॉर्म करता है और उसको अपनी सैलरी और अपनी पोजिशन किस लेवल तक लेकर जानी है। सो आई थिंक आपको डिलॉयट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी। हमें सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा जो एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट इज योर प्री प्लेसमेंट टॉक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पार्ट, देन इज योर इंटरव्यू, एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप वर्किंग, डोंट गिव अप। थैंक यू।